सत श्री अकाल एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जी आज का ये टॉपिक काफी एक्साइटिंग है, क्यों? क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे को कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम करके, बार बार डीएम करके बोला कि आप इंटर्नशिप की वीडियो कब बना रहे हो। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आप जो आपकी सेकेंड ईयर या फिर बीटेक में फोर्थ ईयर या फिर एमसीए के लास्ट ईयर में जो इंटर्नशिप होती है वो आप इंडिया से जापान में कैसे कर सकते हो। ठीक है जी, पीएचडी की इंटर्नशिप होती है या फिर आपकी मास्टर डिग्रीज की, वो आप जापान में कैसे कर सकते हो। दैट्स ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन टुडेज वीडियो। ये वीडियो मेरे उन सभी बहनों और भाइयों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो जापान के अंदर इंटर्नशिप के थ्रू एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं और पोटेंशियली यहाँ पे जॉब करना चाहते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बिकॉज ऑन द वे आई एम गोइंग टू शेयर अ फ्यू इंटर्नशिप्स विच आर फुल्ली स्पॉन्सर्ड। तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो इस वीडियो के अंदर डीप डाइव करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल कि लास्ट वीक मैंने एक वीडियो पोस्ट करी थी, हाउ टू फाइंड एन आईटी जॉब इन जापान फ्रॉम इंडिया। तो उसके अंदर मैंने कुछ टिप्स एंड स्ट्रेटेजीज की बात करी थी। तो उनमें से जैसे फॉर एग्जाम्पल नेटवर्किंग, सर्चिंग जापानीज कंपनीज, जापानीज लैंग्वेज स्किल, जॉब पोर्टल्स, तो ये जो मैंने वहां पे टॉपिक्स डिस्कस किए थे, सेम टॉपिक्स आपकी इंटर्नशिप के अंदर भी हेल्प करेंगे। सो दोज आई एम नॉट गोइंग टू कवर हियर, सो आई वुड रिकमेंड टू वॉच दैट वीडियो। ठीक है, उसके अलावा और आप क्या कर सकते हो कि आपको यहाँ पे जापान के अंदर इंटर्नशिप मिल जाए, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले चेक करो आपकी यूनिवर्सिटी में इफ दे हैव एनी एक्सचेंज प्रोग्राम और हैव पार्टनरशिप विद एनी जापानी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट और अ कंपनी। आपकी यूनिवर्सिटी में चेक करो, कुछ ऐसी इंटर्नशिप आपको मिल सकती हैं जिनके अंदर आपका एयर टिकट से लेके रहना खाना सब कुछ फुल्ली फंडेड होता है। ठीक है, तो आप चेक करो कि आपकी यूनिवर्सिटी में या आपके इंस्टीट्यूट में ऐसा कोई एक्सचेंज प्रोग्राम या फिर इंटर्नशिप है या नहीं। इंटर्नशिप प्लेसमेंट एजेंसीज, देयर आर अ फ्यू स्पेशलाइज एजेंसीज जिनका काम ही ये है स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप प्रोवाइड करना जापान में। दे हैव लाइक वेल एस्टेब्लिश्ड नेटवर्क एंड दे हैव कनेक्शन इन डिफरेंट कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये स्टूडेंट्स की इंटर्नशिप पक्का लगवाई देते हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे गो अब्रॉड, उसके बाद हो गया इंटर्नशिप इन जापान एंड एब्सोल्यूट इंटर्नशिप। तो ये कंसल्टेंसीज हैं जो इंटर्नशिप लगवाती हैं जापान में, बट इनकी जो इंटर्नशिप है इट कम्स एट अ कॉस्ट। ये फीस चार्ज करती हैं और जो इंटर्नशिप है वो भी यूजली अनपेड होती हैं। हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए आई वुड नॉट रिकमेंड, बट हाँ अगर कोई पैसे वाला है एंड रियली वॉन्ट टू डू इंटर्नशिप इन जापान, देन दोज कैन चूज दिस ऑप्शन एज वेल। एडिशनली रिसर्च फॉर स्कॉलरशिप प्रोवाइडेड बाई गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट फाउंडेशन, इवन बाई योर यूनिवर्सिटी, तो ऐसी स्कॉलरशिप भी आपको जापान के अंदर इंटर्नशिप प्रोवाइड करने में हेल्प कर सकती है। प्रिपेयर अ स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन, आपकी अगर एप्लीकेशन बढ़िया से आपने प्रिपेयर करी होगी, देन यू विल हैव चांस टू स्टैंड आउट इन द कॉम्पिटिशन। एक बढ़िया सा रिज्यूम रेडी करो और साथ ही एक कवर लेटर। अगर आप रिज्यूम पे भी एक वीडियो चाहते हो, देन डू लेट मी नो, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो हाउ टू मेक अ जैपनीज स्टाइल रिज्यूम। तो अगर आपका जापान के अंदर इंटर्नशिप का इंटरेस्ट है, आपका रिज्यूम बढ़िया होना चाहिए। सेकेंडली आपका कवर लेटर, उसके अंदर आप ये चीज शो करो जो आपके रेलेवेंट एक्सपीरियंसेस हैं या स्किल सेट है। उसके अलावा एम्फेसाइज योर इंटरेस्ट इन जापान, ठीक है, और कवर लेटर में ये भी मेंशन करो कि आपका स्किल सेट कैसे कंपनी की ग्रोथ में हेल्प कर सकता है। तो ये सारी चीजें अगर आप अपने कवर लेटर के अंदर या रिज्यूम के अंदर स्पेसिफाई करोगे, दैट इज गोइंग टू हैव अ वेरी वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट। अदर देन दैट, व्हाट यू कैन मेंशन इफ यू हैव एनी क्रॉस कल्चर एक्सपीरियंस, फॉर एग्जाम्पल आप किसी दूसरी कंट्री के लोगों के साथ काम किया है या आपने स्टडी करी है, मेंशन दैट। अगर आपने जापानीज लैंग्वेज स्किल आपका कोई लेवल है, आपने पढ़ी है, मे बी यू हैव नॉट पास GLPT एग्जाम बट यू नो द कन्वर्सेशनल स्किल, मेंशन दैट ऑल्सो। तो ऐसा करके आपने एक बढ़िया सा कवर लेटर और रिज्यूम रेडी करना है। नेक्स्ट इज इंटरव्यू प्रिपरेशन। बिफोर गोइंग फॉर द इंटरव्यू प्रिपेयर योर सेल्फ थोरोली। आप रिसर्च करो
जिस भी कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उसके बारे में पढ़ो, उस कंपनी की वैल्यूज के बारे में पढ़ो, जापान जिस आप इंडस्ट्री में जा रहे हो उस इंडस्ट्री का ट्रेंड जानने की कोशिश करो। अदर देन दैट आप इंटरव्यूज क्वेश्चन देखो, कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, ठीक है, उस कंपनी के बारे में सर्च करो कि हाँ इंटर्नशिप के अंदर ये कंपनी में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर कॉमन इंटर्नशिप क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, ठीक है, उन चीजों की रिसर्च करो, अपने आप को प्रिपेयर करो, क्योंकि वहां पे आपको एक बार आपने रिज्यूम के अंदर तो मेंशन कर दिया कि ये आपका इंटरेस्ट है, देन यू हैव टू एक्सप्लेन दैट वर्बली, ठीक है, उस चीज के लिए अपने आप को प्रिपेयर करो, ठीक है, क्या आपके लॉन्ग टर्म करियर गोल्स हैं, ठीक है, ये इंटर्नशिप आपके करियर की स्टार्टिंग के लिए या फिर करियर की ग्रोथ में कैसे हेल्प कर सकती है, दोज थिंग्स यू शुड नो वेरी वेल। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ इंटर्नशिप्स। ये लिस्ट जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, मोस्ट ऑफ देम आर फुल्ली फंडेड, तो डेफिनेटली आपको ये सारी इंटर्नशिप्स चेक करनी है, इनमें से कौन सी आपकी इंडस्ट्री से रेलेवेंट है या आपके सब्जेक्ट से रेलेवेंट है, ठीक है, मैं अब एक एक करके नाम बताऊंगा और इनके वेबसाइट और उनका वेबसाइट लिंक आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है जी। सबसे पहले है वोवन बाय टोयोटा, ये इंटर्नशिप इंग्लिश में है और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को टारगेट करती है, इसके बारे में एक बार मैंने अपनी किसी इंस्टाग्राम स्टोरी में भी शेयर किया था। नेक्स्ट है राकुतेन। राकुतेन यूजली क्या है कि जापानीज स्टूडेंट्स को ही हायर करती है, ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो इंटर्नशिप के लिए, और मैंने जैसे बताया था पहले कि आप अपने ना नेटवर्क बनाओ, ठीक है, नेटवर्किंग करो, वो उसके लिए वो दूसरी वीडियो देखना, हाउ टू फाइंड अ जॉब इन जापान फ्रॉम इंडिया, उसके अंदर मैंने डिटेल में बताया कि नेटवर्किंग कैसे हेल्पफुल हो सकती है, तो आपको इंटर्नशिप लगवाने में भी नेटवर्किंग कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो सकती है। नेक्स्ट है डैमलर ट्रक। डैमलर में भी आप में से कुछ लोगों को पता होगा जो मैकेनिकल के हैं या ऑटोमोटिव के हैं कि डैमलर के अंडर आती है मर्सिडीज, ठीक है जी, डैमलर मर्सिडीज की पेरेंट कंपनी है। नेक्स्ट है पैनासोनिक। पैनासोनिक का एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, वो आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो UTRIP, ठीक है जी, तो उसका क्या प्रोसेस है मैंने लिंक डाल दिया है, और देखो ये इनका वेब पेज है, यहाँ पे आप डिटेल पढ़ो और फिर उसके बाद देखो अप्लाई करो। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो UTSIP, ये इनका काशिवा का जो कैंपस है वहां के लिए है, समर इंटर्नशिप है, तो उसके लिए भी पूरी डिटेल इन्होंने दी हुई है, आप इसको चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है ओकिनावा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी OIST, तो इनका देखो रिसर्च इंटर्नशिप है और आप इसमें जाके डिटेल चेक करो और उसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी ट्रेड एंड इंडस्ट्री ऑफ जापान METI, तो इनकी भी इंटर्नशिप प्रोग्राम है फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए, हेंजी आई डोंट नो कैसे प्रोनाउंस करेंगे, तो जापान डेव के अंदर मेरे को ये इंटर्नशिप मिली थी, तो इसमें आप जाके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है जी। जापान डेव का अगेन मैं इसलिए यहाँ पे लिंक डाल दिया क्योंकि मैंने जो मेरी हाउ टू फाइंड जॉब इन जापान उसके अंदर जापान डेव का भी जिक्र किया था, तो उसके अंदर आपको इंटर्नशिप भी मिल जाएंगी। नेक्स्ट है मॉर्गन स्टैनले भी इंटर्नशिप प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, तो वो भी आप जाके चेक कर सकते हो, और ये सारे इंटर्नशिप्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, सो दैट यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम टू चेक दोज लिंक्स। हाँ जी, तो ये थी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि आप जापान के अंदर इंटर्नशिप कैसे सिक्योर कर सकते हो फ्रॉम इंडिया। देखो इसमें एक चीज है कि इसमें टाइम लगेगा, एफर्ट लगेंगे, ठीक है, अगर आप सीरियस हो तो डेफिनेटली आपको कोई नहीं रोक सकता जापान के अंदर इंटर्नशिप करने में, आपको प्रोएक्टिव रहना है, ठीक है, उसके बाद आपको ओपन रहना है नई अपॉर्चुनिटी के लिए, लोगों के साथ नेटवर्किंग करनी है, एंड अदर देन दैट बिलीव इन योरसेल्फ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करूंगा जो मैंने वीडियो लास्ट वीक पोस्ट करी थी, दैट हाउ टू फाइंड एन IT जॉब इन जापान फ्रॉम इंडिया, उसको जरूर देखना क्योंकि उसके अंदर जो मैंने पॉइंट्स कवर किए थे, फॉर एग्जांपल नेटवर्किंग, रिसर्च अबाउट जैपनीज कंपनीज, जॉब पोर्टल या फिर जैपनीज लैंग्वेज, तो वो आप देखना, वैसे तो सारी वीडियो ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट ये चार पॉइंट तो डेफिनेटली आपकी इंटर्नशिप में भी हेल्प करेंगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, मैं वही बोलता हूँ, मे बी आपके नहीं तो किसी और के काम आ सकती है,
ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम। मेरे चैनल पे और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियो है, यू कैन गो एंड चेक आउट देम। इस वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है या फिर कोई और टिप्स आप शेयर करना चाहते हो, मे बी यू ऑलरेडी हैड एक्सपीरियंस, तो वो भी आप मेरे को कमेंट्स में लिख सकते हो टू हेल्प अदर्स। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन पूछोगे मैं जवाब दूंगा, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्पफुल फॉर अदर्स एज वेल। ठीक है, और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड बाय बाय।